माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हमने देख लिया था, इसके आगे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर मदर सेल इनटू एम्ब्रियो सेक। सो विल स्टार्ट 12-2-4। मेगास्पोरोजेनेसिस, फाइन। सो मेगास्पोरोजेनेसिस का डेफिनेशन मैं पहले ही बता चुका हूं, है ना। हियर आई एम गोना टेल द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर मदर सेल इनटू एम्ब्रियो सेक, फाइन। सो व्हाट वी हैव सीन यस्टरडे हमने देखा था कि न्यूसिलस का सेल्स मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन बनाया हुआ है, फाइन। ये सब इंटेगमेंट्स हो जाएंगे और इसके अंदर का जो सेल होगा दैट इज न्यूसिलस, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड एंड वन ऑफ द सेल वाज एक्टिंग एज मेगास्पोर मदर सेल, ये हमने देखा था। इट वाज एक्टिंग एज मेगास्पोर मदर सेल। सो आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस, दिस मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोस मियोटिक डिवीजन। मेगा स्पोर मदर सेल, फाइन, इट इज डिप्लॉइड। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ दिस मेगास्पोर मदर सेल, तो इसकी प्लॉइडी होती है 2n, फाइन। ओके, स्पोरोफिटिक बॉडी है ये। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोस फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जिसको हम लोग कहेंगे मायोसिस वन, मायोसिस वन, फाइन। मियोसिस वन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, फाइन, एक डिप्लॉइड सेल है उसके अंदर मियोसिस हुआ, तो मियोसिस के चलते कितने सेल्स बनेंगे ऑल टुगेदर, दो सेल्स बनेंगे, है ना। दिस टू सेल्स आर कॉल्ड मेगास्पोर डायड, ध्यान से सुनेंगे, दिस इज कॉल्ड मेगास्पोर डायड, मेगास्पोर डायड, फाइन। फर्दर मियोसिस टू होना है यहाँ पे, मियोसिस टू भी तुरंत होगा, मियोसिस टू, एंड वी नो दैट मियोसिस टू जब कंप्लीट होगा तो यहाँ पे चार सेल्स बन जाएंगे, 1, 2, 3 और 4, है ना। इसको हम लोग कहेंगे मेगास्पोर टेट्राड, मेगा स्पोर टेट्राड कहेंगे इसको, फाइन। हियर वी कैन सी 4 सेल्स आर देयर, 4 सेल्स हैं, और इसके बाहर आसपास न्यूसिलस है और इंटेगमेंट है, ध्यान से सुनेंगे, दीज ऑल सेल्स आर न्यूसिलस सेल्स, है ना, न्यूसिलस और इंटेगमेंट प्रेजेंट है। ऊपर वाला एंड है माइक्रोपाइलर और नीचे वाला है चलाजल, इतना चलेंगे। नाउ फर्दर, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन अभी हुआ नहीं है, दिस टेट्राड is in haploid condition, है ना, haploid condition में है ये, fine, okay। होता क्या है, majority of the plant के केस में ऊपर वाले 3 megaspores मर जाते हैं, degenerate हो present है, उसी का further development होता है और embryo sac का formation होता है, है ना। तो यहां से एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं कि टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट, फाइन। एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन आगे होना है, लेकिन एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होने के लिए चारों माइक्रोस्पोर की आवश्यकता पड़ सकती है या 2 की या फिर 1 की, है ना। 1 का पड़ेगा तो उसको हम लोग कहेंगे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट, 2 की जरूरत पड़ेगी तो बोलेंगे बायोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट, और 4 की जरूरत पड़ेगी तो कहेंगे टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट, है ना। हियर यहां पे हम देख पा रहे हैं ओनली वन
मेगास्पोर कैन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्ब्रियोसेक और टू मेगास्पोर और ऑल फोर मेगास्पोर कैन पार्टिसिपेट इन द एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन. फाइन, तो चलिए एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट तीन प्रकार से हो सकता है. है ना, तीन तरीके से है ना. किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मेगास्पोर यूज्ड. फाइन, मोनोस्पोरिक बायोस्पोरिक नाम से पता चल रहा है एंड टेट्रास्पोरिक. फाइवा में क्वेश्चन आता है यहां सबसे, व्हाट इज मोनोस्पोरिक बायोस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक. मोनोस्पोरिक का केस देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक फ्रॉम ओनली वन मेगास्पोर. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक फ्रॉम ओनली वन मेगास्पोर है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. इसका एग्जाम्पल, मैक्सिमम ऑफ द एंजियोस्पर्म फॉलोज दिस. मैक्सिमम एंजियोस्पर्म फॉलोज दिस है ना. बायोस्पोरिक नाम से पता चल रहा है कि दो स्पोर्स का इस्तेमाल होना है. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक फ्रॉम कितने मेगास्पोर इस्तेमाल होंगे? टू मेगास्पोर, उसको हम लोग बायोस्पोरिक कहेंगे. एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आलिम प्याज के केस में. फाइन, नेक्स्ट टेट्रास्पोरिक. टेट्रास्पोरिक मतलब ऑल फोर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्ब्रियोसेक है ना. नो मेगास्पोर डाइस, कोई मेगास्पोर मरेगा नहीं यहाँ पे. एग्जाम्पल अडोक्सा है, ड्रोसा है, पलमेगो है ना. फाइन, तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में करने वाले हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक. इसको हम लोग पॉलीगोनोटाइप भी कहते हैं. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. एनसीईआरटी में यही मेंशन है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक
है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीगोनम टाइप। पॉलीगोनम इसलिए कहते हैं क्योंकि पॉलीगोनम के अंदर देखा गया था इसका डेवलपमेंट को, ऑल्सो नोन एज पॉलीगोनम टाइप। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। सो वी हैव, ये मान के चलिए न्यूक्लियस वाले सेल है, फाइन, एंड वी हैव लाइंड फोर मेगा स्पोर्स, चार मेगा स्पोर्स प्रेजेंट है। एक एंड को माइक्रोपाइल कह रहे हैं और दूसरा एंड को कह रहे हैं चलाजा। फाइन, सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। क्या होगा, ऊपर के तीन डीजनरेट हो जाएंगे, ऊपर के तीन मेगा स्पोर्स डीजनरेट हो जाएंगे, थ्री मेगा स्पोर्स आर डीजनरेटेड, मर जाते हैं। मरने के बाद अपने नीचे में न्यूट्रिएंट होते हैं, है ना, वो बगल वाले सेल्स को दे देते हैं। फाइन, आगे बढ़े। हेलो, शैल आई मूव? हाँ बोलो सर। बायस्पोरिक में दो एम्ब्रियो सैक होता है? ना ना ना, एक ही एम्ब्रियो सैक होगा। डेवलपमेंट ऑफ वन एम्ब्रियो सैक फ्रॉम टू मेगास्पोर, वन एम्ब्रियो सैक, सब में एक ही एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो। अब एक एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए, है ना, एक सेल का इस्तेमाल हो रहा है या दो सेल का इस्तेमाल हो रहा है, उसी बेसिस पे मोनोस्पोरिक, बायोस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक कहते हैं। समझे? समझे? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे कौन की तरफ का मेगास्पोर डिग्रेड हो रहा है, ये भी क्वेश्चन आता है। सो ऊपर वाला माइक्रोपाइलर एंड वाला डिग्रेड होता है। नाउ बचा क्या, एक सेल बचा, है ना, हाउ मेनी सेल इज लेफ्ट, ओनली वन सेल इज लेफ्ट, ये हो जाएगा फंक्शनल मेगास्पोर, बाकी तीन डीजनरेट कर गए। फाइन, ध्यान देंगे कौन सा एंड वाला डिग्रेड हो रहा है, चलाजल एंड वाला डिग्रेड हो रहा है। अब हम इसका ओरिएंटेशन कैसे भी रखें, आपको पता होगा चलाजल की तरफ डिग्रेड ना होके माइक्रोपाइलर वाला डिग्रेड हो रहा है। फाइन, याद रखेंगे हम ओरिएंटेशन कैसा भी करें। ओके, सो दिस इज फंक्शनल मेगास्पोर, व्हाट इज द प्लॉइडी, हैप्लॉइड है। फाइन, हैप्लॉइड है। अब क्या होगा, हियर इट फॉलोज माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन फॉलो करेगा, है ना, तो माइटोसिस डिवीजन फॉलो करने से ऑल टुगेदर कितने सेल्स बनेंगे, है ना, दिस इज फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर माइटोसिस हुआ, कितने सेल्स बने, दो सेल्स बने। फाइन, फिर माइटोसिस हुआ, फिर यहाँ पे माइटोसिस हुआ। फाइन, अब माइटोसिस के चलते कितने न्यूक्लियस होंगे, कम ऑन टेल मी, फिर माइटोसिस हो गए, यहाँ पे कितने सेल हो गए, सॉरी कितने न्यूक्लियस, नहीं नहीं अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, कितने सेल हो गए, कितने न्यूक्लिया हुआ, कम ऑन टेल मी कितने न्यूक्लिया है, एक और होगा, है ना, आठ हो गए, आठ न्यूक्लियस हुआ ना,
चलिए इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे एन एन, यहाँ पे हो गया है ना, और यहाँ पे कितने हो गए, आठ हो गए है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होना शुरू होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। सो चलिए एक बड़ा सा ये न्यूक्लियस वाला लेयर में बना रहा हूं, फाइन। यहाँ बगल में न्यूक्लियस वाले सेल्स पड़े हैं है ना, दीज आर द सेल्स ऑफ न्यूक्लियस इस तरीके से। ये न्यूक्लियस वाले सेल हो गए। नाउ टेल मी द ओरिएंटेशन, ऊपर वाले लेयर में ऊपर की तरफ हम बना रखे हैं यहाँ पे माइक्रोपाइल, और नीचे बनाए हैं चलाजा, फाइन। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। तो साइटोकाइनेसिस के लिए क्या होंगे, न्यूक्लियस के आसपास है ना, न्यूक्लियस के आसपास साइटोप्लाज्म का डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा, जिसके चलते लगेगा कि यहाँ पे अलग अलग सेल बने हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तीन सेल्स बन गए है ना, तो दिस थ्री सेल्स टुगेदरली नोन एज एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, फाइन। उसके बाद तीन न्यूक्लियस तो नीचे चलाजल की तरफ माइग्रेट हो गए, तीन न्यूक्लियस ऊपर की तरफ माइग्रेट होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं एग एपरेटस है ना। यहाँ पे तीन न्यूक्लियस जाएगा और अपने साइटोप्लाज्म ले लेंगे है ना, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे है ना, ऊपर की तरफ न्यूक्लियस होना है, और इन दोनों के केस में नीचे की तरफ न्यूक्लियस होना है, फाइन। इस तरीके से इसको हम लोग कहेंगे दिस इज कॉल्ड एग एपरेटस, ओके। एग एपरेटस में इसको हम लोग कहेंगे एग, और इन दोनों को कहेंगे हम लोग सिनर्जिड, इन दोनों को कहेंगे सिनर्जिड, फाइन, सिनर्जिड कहेंगे। बीच में दो न्यूक्लियस बच जाता है, फाइन। तो ये वाला न्यूक्ली एक बड़ा सा साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहता है, ये देखो इतने बड़े साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहता है, इतने बड़े साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहेगा। सो इस पर्टिकुलर सेल को भी हम लोग कह सकते हैं कुछ नाम होगा यहाँ पे सेंट्रल सेल है सच टाइप ऑफ न्यूक्ली, और यहाँ पे जो दो न्यूक्ली है इसको हम लोग पोलर न्यूक्लियस कहते हैं, पोलर न्यूक्ली, फाइन। ये जाके कंप्लीट डायग्राम हुआ एम्ब्रियो सेक का, एम्ब्रियो सेक, और जो हरा कलर का लेयर बना रखे हैं ये हो जाएगा न्यूक्लियस, और इसके बाहर यदि हम लेयर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और ये लेयर होना है किस चीज का, यस केस टेल मी कौन सा लेयर का, इंटेगमेंट, वेरी गुड, इंटेगमेंट्स के लेयर होंगे इधर, एक हो गया, ये दो हो गया, फाइन, इस तरीके से, ओके। हाँ, इसी को कहते हैं हम, इस एम्ब्रियो सेक को कहते हैं हम लोग सेवन सेल्ड एंड एट न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक, सेवन सेल्ड एंड एट न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक, फाइन। दिस इज द टिपिकल, या फिर दिस इज द डिफाइनिंग, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मार्वलस मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स है ना। तो ये हो गया एम्ब्रियो सेक ऑफ एंजियोस्पर्म, फाइन फाइन फाइन।
एक चीज हम यहाँ पे दर्शाना चाहेंगे, खैर वो चलो आगे की ओर बात बताएंगे, सिनर्जीज का सेल्स थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे की ओर। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो सिनर्जीज के सेल्स है वो किस तरफ प्रेजेंट रहते हैं, सो ज्यादातर ये माइक्रोपाइलर की तरफ प्रेजेंट रहते हैं और ऊपर की तरफ वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। ये वैक्यूल हो गए, बड़े बड़े से वैक्यूल रहते हैं, है ना, वैक्यूल्स आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स एग। फाइन, शैल आई मूव आगे बढ़े? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग को देखना होगा पॉलिनेशन। एम्ब्रियो सेक तो तैयार हो गया हमारा, सेवन सेल एल न्यूक्लियट, है ना। चलिए कुछ स्पेशल नोट करवाना है तो करवा दे रहा हूँ, यहाँ पे नोट कर लेंगे। ओइनोथेरा लामार्कियाना के अंदर, है ना, चार न्यूक्लियई एम्ब्रियो सेक के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और इसका एंडोस्पर्म डिप्लॉइड कंडीशन में रहता है। मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ओइनोथेरा only four nuclei are there in embryo sac and hence its endosperm is diploid. ठीक है, तीन कहने का मतलब है, चार कहने का मतलब है कि तीन तो एग ऑपरेटर्स हो जाएंगे। फाइन, एक पोलो न्यूक्ली होगा। फाइन, तो ये एक बॉक्स याद रखेंगे आप लोग, हैप्लोइड डिप्लोइड एंड ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म, हैप्लोइड एंडोस्पर्म किसके हैं, डिप्लोइड एंडोस्पर्म किसके हैं, एंड ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म फाइन। सो हैप्लोइड एंडोस्पर्म्स किसका होता है जी, कोई बता पाएगा? जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म हैप्लोइड होते हैं। फाइन, याद रखेंगे डिप्लोइड किसका रहना है, सो डिप्लोइड रहना है ओइनोथेरा का। ओइनोथेरा का और ट्रिप्लोइड किसका रहना है, एंजियोस्पर्म का। फाइन, सो याद कर लेंगे। नाउ ये खत्म हो गया यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट खत्म हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, दैट इज फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे गैमेट का ट्रांसफर होना होता है, गैमेटोजेनेसिस ओवर, नेक्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, है ना। फॉर दिस, इसके लिए क्या होना है, these two gametes must meet each other, है ना, मिलना होगा। तो मिलने के लिए यहाँ पे एक प्रोसेस होता है प्लांट्स के केस में, जिसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। इन ऑर्डर टू डू सो, है ना, इसको करवाने के लिए pollen grain reaches the female stigma
है ना, बाय द प्रोसेस फिनोमिनन कॉल पॉलिनेशन, फाइन पॉलिनेशन, फाइन। तो पॉलिनेशन है क्या, पॉलिनेशन का डिफिनेशन मैं कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेटोफाइट, टू स्टिग्मा। मेल गैमेटोफाइट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोलन ग्रेन कहेंगे, फाइन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। सो पॉलिनेशन किसके अंदर हो रहा है, एक ही पौधे के अंदर हो रहा है या दो अलग अलग पौधे इन्वॉल्व है ना, तो इसके बेसिस पे हम पॉलिनेशन को दो भागों में बांट रखे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ, हाँ यस, ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of flower involved, and pollination can be self-pollination and cross-pollination. Self-pollination and cross-pollination. Now, let's do the self-pollination first. Hai na? Self-pollination diagram bana raha hu. For example, this is a plant. This plant has a flower. Hai na? So this flower possesses a gynoecium and the androecium, है ना। तो हो गया क्या, यहां से पोलन, है ना, यहां से पोलन ट्रांसफर होके जाएगा इसके पास, ज्यादा बना दिया, है ना, यहां से पोलन ग्रेन जाएगा इसके पास, इसके पास जाएगा, है ना। इसको हम लोग कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, और चूंकि ये हो रहा है बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर, तो इसके लिए एक स्पेशल टर्म रिजर्व करके रखते हैं, दैट टर्म इज ऑटोकेमी, ऑटोकेमी। इफ, हाँ यहाँ पे देख रहे हैं, एनवायरमेंटली और जेनेटिकली भी सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं ऑटोकेमी, मतलब एनवायरमेंट के तौर पे देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है। जेनेटिकली भी देखें तो एक ही प्रकार का जीन होना है, है ना, एक ही फ्लावर है, ठीक है। तो ऑटोगेमी का मतलब क्या होगा, ए यू टी ओ जी ए एम ए वाई, इट इज 100% सेल्फ पॉलिनेशन, है ना, 100% सेल्फ पॉलिनेशन होता है जेनेटिकली एंड एनवायरमेंटली, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं है, फाइन, ओके, डन। हाँ ये कहां पे होगा, ये होना है हमेशा बाइसेक्सुअल फ्लावर में, इट ऑलवेज अकर्स इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही हो, बगल में, है ना, सेम स्पीशीज का बगल में
सेम पौधा, सेम स्पीशीज का पौधा प्रेजेंट है तो उसमें भी पॉलिनेशन हो सकता है। हाँ यहाँ पे कुछ और एड अप करना चाहेंगे हम, कहाँ है पॉलिनेशन का, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेटोफाइट टू स्टिग्मा इन ऑफ सेम स्पीशीज। Of same species. Fine. इसको हम लोग ऑटोगेमी कहेंगे। ओके आगे बढ़े। बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया, डन डन। आगे बढ़ते हैं, जुटिनोगेमी देखते हैं। हाँ एक चीज और बता रहे हैं, से दिस इज अनदर प्लांट। Fine. This plant has such thing. Fine. और बगल में एक और फ्लावर प्रेजेंट है एंड दिस फ्लावर हैज दिस पर्टिकुलर ऑर्गन। फाइन यहाँ पे प्रेजेंट है आपका पिस्टल एंड स्टेमिन। है ना, स्टेमिन है। सो यहाँ पे पॉलिनेशन किस तरीके से होना है, यहां से यहाँ पे। फाइन तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं जिटिनोगेमी। इसके लिए टर्म रिजर्व करा गया है, दैट इज कॉल्ड जिटिनोगेमी। है ना, जिटिनोगेमी कहने का मतलब होता है जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन बट एनवायरमेंटली क्रॉस पॉलिनेशन। है ना, जिटिनोगेमी का मतलब बता रहा हूं। जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनवायरमेंट, बट एनवायरमेंटली, एनवायरमेंट के तौर पे देखा जाए तो हम ये देख रहे हैं ना कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा है पॉलन ग्रेन। एनवायरमेंटली क्रॉस पॉलिनेशन, समझे। एग्जाम्पल इसका हो सकता है मोनोशियस, सॉरी यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्लांट, ऐसे प्लांट जिसके फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं। फाइन सो क्या बताना चाह रहा था, एक चीज यहाँ पे है, इस तरीके का पॉलिनेशन आपको देखने को मिल सकता है किसमें, मेज में, है ना, मक्के के अंदर। आई वाज सपोज्ड टू राइट समथिंग, हाँ यूनिसेक्सुअल फ्लावर में यहाँ पे लिखना चाह रहा था, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर ना भी लिखे तो चलेगा, दिख रहा है कि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज क्रॉस पॉलिनेशन। सो क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स the transfer of pollen grain from one plant to another plant with of same species, transfer of pollen from one plant to another plant in same species, इसको कहेंगे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन विद इन द सेम प्लांट, है ना, एक ही प्लांट के अंदर हम लोग करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन फिनिश।
So let me draw a diagram here. One plant, this is another plant. So यहाँ पे हम बना रहे हैं ये वाला structure. This is pistillate flower. और यहाँ पे दूसरा फ्लावर हम ड्रो कर रहे हैं. दिस इज स्टेमिनेट फ्लावर, है ना, बोल सकते हैं. दिस इज मेल फ्लावर और ये है फीमेल फ्लावर. फाइन, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर. बोल सकते हैं कि ये जो प्लांट है दिस इज, हाँ, ये फ्लावर जो है यूनिसेक्सुअल भी है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है. फाइन, ये भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है. हाँ, क्या बोल रहे हो? आप इसमें पोलन का ट्रांसफर कैसे होना, तो यहाँ से पोलन आएगा यहाँ. फाइन, तो कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन और इसके लिए एक टर्म रिजर्व मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, 100% क्रॉस पॉलिनेशन. है ना, जेनेटिकली एंड एनवायरमेंटली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन. जेनेटिकली एंड एनवायरमेंटली क्रॉस पॉलिनेशन, है ना. तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑल मोनोश डायोशियस प्लांट. जितने भी डायोशियस प्लांट होते हैं, जैसे कि पपाया के केस में, है ना, डेट के केस में. फाइन, ये एपिसोड खत्म होता है ना. सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेजेस क्या क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, ये देखेंगे. एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, कैन यू से द एडवांटेज. एडवांटेज क्या क्या हो सकता है, कैन टेल मी द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं होगा, तो ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, जल्दी पॉलिनेशन हो जाएगा. नॉन, हाँ, है ना, मोस्ट ऑफ द प्लांट के केस में कोई एजेंट को नहीं देखना पड़ेगा, पॉलिनेटर्स की राह नहीं देखनी पड़ेगी, है ना. ज्यादातर चांसेस होगा कि फर्टिलाइजेशन हो ही जाए इसकी केस में. फाइन, सो ये सब कुछ बेनिफिट्स हैं. सो लेट मी राइट डाउन द एडवांटेजेस फॉर दिस. ओके, सेल्फ पॉलिनेशन के चलते वेरिएशन आएगा क्या? नहीं आएगा. No significant variation seen, है ना, in progeny. Fine. तो जो variation ही नहीं होगा तो quality maintain रहेगा. So the quality of the parent is maintained.
मेंटेन किया जा सकता है ना, वेरिएशन नहीं होगा तो। ओके, वन प्लांट डू नॉट हैव टू लुक फॉर अनदर प्लांट, है ना, दूसरे प्लांट की राह देखने की जरूरत नहीं है। सो ये कुछ एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज, क्वेश्चन आता है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से, है ना। तो डिसएडवांटेजेस यही है कि जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा तो हो सकता है आगे चल के ये स्पीशीज लुप्त हो जाए, खत्म हो जाए, है ना। नो जेनेटिक वैक्सीन्स, नो जेनेटिक वेरिएशन सीन, सो चांसेस इज देयर दैट प्लांट स्पीशीज में क्या बोलेंगे, may not evolve, may eliminate, है ना, eliminate होने का chances fine। Now अब पौधा क्या क्या strategy अपना सकते हैं in order to follow self pollination, fine। ये भी question आता है कि पौधा क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगा सेल्फ पोलिनेशन के लिए। स्ट्रैटेजीज ऑफ द प्लांट टू फॉलो सेल्फ पोलिनेशन, इसका मतलब समझे आप लोग, सोच के बताइए तो क्या क्या स्ट्रैटेजी पौधा अपना सकता है इन ऑर्डर टू फॉलो सेल्फ पॉलिनेशन। कम ऑन, वन बाय वन बताएंगे। बताइए क्या करके, come on, tell me one by one, क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाया जाएगा। मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर सामने सामने होंगे। चलो कुछ तो बताइए, वेरी गुड, चलो बताते हैं, है ना। इन सबको हम बताते हैं कुछ कुछ टर्म्स लिख के, जैसे कि एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, मोनोक्लाइनी, MONOCLINY। यहाँ सबसे क्वेश्चन आता है जी, इन सभी से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। मोनोक्लाइनी, मोनोक्लाइनी कहने का मतलब होता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर का निर्माण होना या मोनोशियस प्लांट का निर्माण, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना, एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, है ना, तो उसके अंदर तो सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांसेस बनता है जी। एंड ऑल्सो द मोनोशियस फ्लावर, सॉरी, एंड ऑल्सो द कंडीशन ऑफ मोनो MONOECIOUS प्लांट,
एक ही प्लांट बॉडी पे मेल और फीमेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे. सो मोनोक्लाइनी कौन पौधा शो करते हैं, तो ये शो करता है चाइना रोज. फाइन, चाइना रोज के केस में इस तरीके का पौधा एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट देखते हैं दूसरा स्ट्रेटेजी जिसको हम लोग स्टडी करेंगे होमोगेमी के अंदर. देखते हैं होमोगेमी क्या कहता है. सो होमोगेमी का मतलब होता है ना, सिंक्रोनाइज्ड तरीके से पोलन और पिस्टल का मैच्यूरेशन, सॉरी स्टिग्मा, पिस्टल और स्टेमिन का मैच्यूरेशन होना. फाइन, होमोगेमी का मतलब यही होता है कि दोनों ऑर्गन का मैच्यूरेशन सेम टाइम पे होना है. मीनिंग मीनिंग द मैच्यूरेशन ऑफ pistil and stamen at the same time. Fine. तो इस तरीके का कौन पौधा है जी जो होमोगेमी शेयर करेगा, सिंक्रोनाइज्ड होगा. SYNCHRONIACD सिंक्रोनाइज्ड है यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन है ना. कैथरंथस मिराबिलिस जलापा के केस में फोर ओक्लॉक फ्लावर कहते हैं जिसको, CHRNDHUS कैथरंथस. फाइन, तीसरा स्ट्रैटेजी क्या है, तीसरा स्ट्रैटेजी को हम टर्म दे रहे हैं क्लिस्टोगेमी. CLISTOGAMY क्लिस्टोगेमी. लेट्स सी व्हाट डज द टर्म क्लिस्टोगेमी मींस. क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है क्लोज्ड फ्लावर होना. क्लोज्ड फ्लावर मतलब फ्लावर की ब्लूमिंग नहीं होगी है ना. फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज हो जाएंगे बड के अंदर ही है ना. इट मींस हैविंग क्लोज्ड फ्लावर. सो यदि क्लोज्ड फ्लावर है तो पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस है क्या, क्रॉस पॉलिनेशन है क्या? So no chance. Yes, no CHANC cross pollination है ना. तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर कौन कौन से है, कॉमिलाइना, वियोला एंड ऑक्सिलिस है ना. कौन कौन है, वियोला, ऑक्सिलिस एंड कॉमिलाइना. COMMELINA कॉमिलाइना के बारे में कुछ बताना चाहेंगे. कॉमिलाइना हैज टू टाइप्स ऑफ फ्लावर है ना, ओपन फ्लावर एंड क्लोज फ्लावर है ना. तो ओपन फ्लावर को हम लोग कहते हैं चास्मोगेमस फ्लावर. चास्मोगेमस फ्लावर है ना, present on stem, on stem. Closed flower को हम लोग कहते हैं क्लिस्टोगेमस, CLISTO क्लिस्टोगेमस फ्लावर. और कहाँ रहेगा, under the soil है ना, soil में ही रहेगा, under the soil रहेगा, लेकिन रहेगा underground stem में है ना, अंडरग्राउंड
स्टेम में रहेगा, है ना। एनसीईआरटी के अंदर इसका डायग्राम दिया हुआ है, देख लेंगे कॉमिलाइना का। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, नाउ द फोर्थ वन इज बर्ड पॉलिनेशन। ये भी एक स्ट्रैटेजी है भैया, क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बर्ड पॉलिनेशन। क्वेश्चन आता है यहाँ से, सो हियर दिस कॉमिलाइना इज इम्पोर्टेंट। बर्ड पॉलिनेशन, बर्ड पॉलिनेशन मतलब फ्लावर का ब्लूमिंग हुआ ही नहीं है, है ना, बर्ड के अंदर ही पॉलिनेट हो जाना। पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर इनसाइड द बर्ड एंड देन ब्लूमिंग, उसके बाद क्या होना है, ब्लूमिंग होना है, है ना। बर्ड के अंदर पॉलिनेशन हो जाएगा, उसके बाद ब्लूम करेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मटर का, और मटर सॉरी राइस इन वीट बेस्ट एग्जांपल है। क्वेश्चन आता है, राइस मतलब पेड़ी, वीट, है ना, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ समय दे रहा हूँ, पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। कुछ डाउट है कहीं से तो पूछेंगे जल्दी से, कम ऑन। आप लोग डॉक्टर की तैयारी करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, है ना, तो छोटा मोटा तो होगा नहीं। पेड़ी, पी, ये ज्यादा है, मतलब कि पोटेंट है ये, मटर और धान पोटेंट एग्जाम्पल है ये सब। नेक्स्ट, शैल आई मूव या रुक जाए दो मिनट। हेलो, शैल आई वेट और कंटिन्यू करें, कोई कुछ बोल नहीं रहा, हो या सब चले गए हो? तो थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके ओके ओके, देन आई एम वेटिंग, सो आई एम सेंडिंग दिस टू यू, उसके बाद वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, देन स्ट्रैटेजी क्या क्या अपनाएगा पौधा इन ऑर्डर टू फॉलो क्रॉस पॉलिनेशन। फाइन, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाना होगा तुम लोगों को, बॉयज का सेपरेट और गर्ल्स का सेपरेट, क्योंकि मुझे दो जगह भेजना पड़ता है। क्या ज्योत्सना कुछ बोल रही हो तुम? डायग्राम, तुम्हारा आवाज क्लियर ही नहीं रहता है, पता नहीं तुम चास में रहती हो, तुम्हारा नेटवर्क ही नहीं रहता। लिख के भेजें, इधर यू कैन सेंड इन द ग्रुप और ऑन पर्सनल मैसेज, एनीवे भेजेंगे, भेजने के बाद बोलेंगे कि हाँ सर मैंने भेजा।
स्टार्ट हाँ, आपने क्वेश्चन भेजा नहीं मिला yes, चौथा हाँ भेजो 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 कहाँ पे भेजे हो yes. ग्रुप में भेजे हैं ग्रुप में भेजे हैं एक वर्ड है उस मतलब उसका मतलब समझा दीजिए ना हाँ एसिमेट्रिक स्पिंडल हाँ एसिमेट्रिक स्पिंडल कहने का मतलब क्या है यार यहाँ पे तो एसिमेट्रिक डिवीजन होता है ओके यहाँ पे यही समझेंगे एक दो तीन एक दो तीन क्रोमोसोम क्यों होना है ना यहाँ पे यही समझेंगे कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन इक्वली नहीं होता है न्यूक्लियस का डिवीजन एक ही होना है क्रोमोसोम नंबर ऑलमोस्ट सेम होने हैं लेकिन जो वेजिटेटिव सेल है ना फाइन वेजिटेटिव सेल्स में न्यूक्लियस का साइज बड़ा रहेगा और सेल का साइज भी बड़ा रहेगा बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें फाइन ये क्वेश्चन ये भी आता है कि जब गैमेटोफाइट का डिवीजन होगा दो सेल्स के अंदर तो एक वेजिटेटिव सेल्स बनता है और एक जनरेटिव सेल्स बनता है कौन सा सेल का साइज बड़ा होता है सो एसिमेट्रिक स्पिंडल के चलते अनइक्वल डिवीजन होते हैं यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट के इनटू वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स है ना और ध्यान देंगे कि जब हम लोग ने सेल डिवीजन करा था तो स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन होता है वो मेटाफेज प्लेट पे होता है लेकिन यहाँ पे मेटाफेज प्लेट तो है नहीं सॉरी बीचों बीच नहीं है यहाँ पे लोअर पोर्शन में है ये भी एक रीजन हो सकता है एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली यहाँ पे एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है यहाँ पे यही मेंशन करेंगे दिस लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ अनइक्वल साइज सेल है ना और मैं बताया था लास्ट ईयर स्पिंडल फाइबर का जो लोकेशन होना है वो बीचों बीच होना है मेटाफिजिक प्लेट पे जिसके चलते सेल का इक्वल डिवीजन होता है लेकिन यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होना है Come on, खत्म होता है आगे बढ़ते हैं यस आई एम मूविंग टू क्रॉस पॉलिनेशन इट्स एडवांटेजेस एंड डिमेरिट्स क्रॉस पॉलिनेशन है ना शल वी सी द एडवांटेजेस फर्स्ट एडवांटेजेस एडवांटेजेस तो क्या क्या एडवांटेजेस हो सकता है जी कैन यू से एक तो एडवांटेज बनाई बताई सकते हो आप लोग ब्रिंग्स वेरिएशन हेल्प्स इन इवोल्यूशन ब्रिंग्स वेरिएशन हेल्प्स इन इवोल्यूशन इवोल्यूशन में मदद करता है फाइन इनेबल द प्लांट to survive in harsh condition है ना harsh condition में survive करने के लिए enable करता है next और कुछ छोड़िए काफी है disadvantage पे आते हैं disadvantage क्या क्या हो सकता है जी डिसएडवांटेज यही है कि
बिना पॉलिनेटिंग एजेंट का ये पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है, पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल, पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल इफ ओनली वन प्लांट इज देयर, है ना, एंड ऑल्सो इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स नहीं रहेंगे तो पॉलिनेशन भी नहीं होगा। कम ऑन, खत्म होता है, नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रैटेजीज क्या क्या पौधे ने अपना रखा है इन ऑर्डर टू फॉलो सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन। Followed by plants to have cross pollination pattern, है ना, cross pollination के लिए उन्होंने क्या क्या हथकंडे अपनाए हैं वो देखते हैं। सो पहला हथकंडा देखते हैं, डाइक्लाइनी, पहला खंडा है डाइक्लाइनी। लेट्स सी व्हाट डज द डाइक्लाइनी मींस। डाइक्लाइनी कहने का मतलब होता है पौधा ऐसा स्ट्रेटजी फॉलो करेगा कि वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाएगा, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, है ना, पौधा चाहेगा कि हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही बनाए, तो इसके केस में क्रॉस पॉलिनेशन तो होना ही होना है। जैसे कि मेज, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स, कोकोनट, ताड़ी वाला पौधा, पपाया, कुकुरबीट, है ना, यहाँ पे नोट कर लेंगे जरा, पपाया और डेट पाम के केस में 100% क्रॉस पॉलिनेशन होता है, 100% क्रॉस पॉलिनेशन होना है। है ना, दूसरा स्ट्रेटजी होगा एग्जिस्टेंस ऑफ डायोशियस प्लांट, एग्जिस्टेंस ऑफ डायोशियस, DIOECIOUS, डायोशियस प्लांट का निर्माण होना, यह भी एक स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी देखते हैं, हेटेरोगेमी, हेटेरोगेमी का मतलब क्या होगा, होमोगेमी का मतलब बताया था कि मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों तैयार होंगे एक ही समय में। नाउ हेटेरोगेमी का मतलब आदित्य, आदित्य नामक बच्चा है अपने पास, आदर्श है, क्या होगा जी, आकाश है, कौन है, एनीबडी, होमोगेमी का मतलब मैंने बताया था कि पोलन और स्टिग्मा दोनों सिंक्रोनाइज तरीके से डेवलप करेंगे, मतलब दोनों एक ही समय में जाके तैयार हो जाएंगे। लेकिन हेटरोगेमी कहने का मतलब क्या होना चाहिए, कम ऑन ट्राई आउट, जस्ट डोंट ओनली लिसन, Millie is not there in the class. Come on, tell me, heterogamy क्या होना चाहिए? Genetically and environmentally cross pollination. अरे भैया वो तो है, समझ गए, homogamy का मतलब यही था कि anther और stigma दोनों एक साथ mature होंगे, लेकिन heterogamy में क्या होगा? अरे भैया हेटरोगेमी में दोनों एक साथ मैच्योर नहीं होंगे, दोनों अलग अलग मैच्योर नहीं होगा, दोनों अलग अलग मैच्योर होंगे, दोनों अलग अलग मैच्योर होंगे इन केस ऑफ हेटरोगेमी, अलग अलग समय में, 25 तारीख को एक मैच्योर होगा तो जाके 30 तारीख को दूसरा मैच्योर होगा,
तो इस ऐसे कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है क्या? हो सकता है? नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ही तो स्ट्रैटेजी अपना रहे हम लोग। हियर पिस्टल एंड स्टेमिन आर मैच्योर्ड, मैच्योर्स MATURT at different time, अलग अलग समय पे मैच्योर होंगे। जैसे कि एक कंडीशन में बता रहा हूं यहाँ पे, प्रोटोगाइनी, प्रोटोएंड्री एंड प्रोटोगाइनी कंडीशन। प्रोटोएंड्री इंपॉर्टेंट है, PROTANDRY, प्रोटोएंड्री। प्रो मतलब पहले, एंड्री मतलब एंड्रोशियम। क्या होगा, किसका डेवलपमेंट पहले होगा? कम ऑन टेल मी। हाँ, डेवलपमेंट ऑफ एंथर या स्टिग्मा, कम ऑन, डेवलपमेंट ऑफ पिस्टल या फिर स्टेमिन, पहला डेवलपमेंट किसका? ओके, वेरी गुड। इट इज द डेवलपमेंट ऑफ anther and not followed by development of pistil, है ना? इसमें क्या कर सकते हैं? Not synchronized, में नॉट सिंक्रोनाइज लिखेंगे, फाइन। दोनों गैमेट सिंक्रोनाइज नहीं है। दिस इज प्रोटोएंड्री कंडीशन। फ्लावर प्रोटोएंड्री है, मतलब एंड्रोशियम पहले मैच्योर होगा, गाइनोशियम बाद में होगा। तो जब एंड्रोशियम तैयार हो रखा है और गाइनोशियम तैयार ही नहीं हुआ, तो सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है क्या? एंड एट दिस टाइम, हाँ, not followed by the development of pistil, so no self pollination, POLLIN, no self pollination can be seen, नहीं देख सकते। example, protandry flower का example most important है, salvia, sunflower, capsula, cotton, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट कंडीशन बता रहा हूं, सो नेक्स्ट कंडीशन इज प्रोटोगाइनी। GYNY, प्रोटोगाइनी मतलब क्या होगा? कम ऑन, प्रोटोगाइनी का मतलब तो बता दो बेटा। कम ऑन, टेल मी, प्रोटोगाइनी का मतलब तो बता देंगे। पिस्टल डेवलप, हाँ, है ना? पिस्टल डेवलपमेंट इज नॉट फॉलोड बाय है ना स्टेमिन डेवलपमेंट। है ना, पिस्टल डेवलप्स, PISTIL डेवलप्स फर्स्ट एंड स्टेमिन लेटर। तो इसके केस में भी क्रॉस पॉलिनेशन का ही रास्ता बच जाता है ना? जैसे अर्थवर्म का केस बताया था, प्रोटोएंड्री है, मेल गैमेट पहले तैयार हो गया लेकिन फीमेल तो हुआ नहीं, तो क्या करता है वो? दूसरे को दे देगा जिसके अंदर तैयार हो रखा है। द एग्जाम्पल फॉर दिस इज बनाना
नन्ना पीपल बहुत सही रोज अशोक अशोका प्लांट ठीक ना अशोका प्लांट दोस्तों नाउ द थर्ड स्ट्रैटेजी जैस्मोगैमस फ्लावर जैस्मोगैमस है ना जैस्मोगैमस कहने का मतलब फ्लावर का ब्लूमिंग होना है ना A-N-T-H-E-S-I-S इसको एंथेसिस भी कहते हैं दिस इज श्योर ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर श्योर ब्लूमिंग ऑफ P-L-O-O-M-I-N-G है ना यदि फ्लावर ब्लूम होगा तो ऑब्वियसली क्रॉस पॉलिनेशन होने का चांसेस तो होता ही है नेक्स्ट इज हर्कोगेमी हर्कोगेमी का मतलब क्या होगा देखते हैं हर्कोगेमी कहने का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकल बैरियर प्रेजेंट होना बिटवीन द एंथर एंड द स्टिग्मा ठीक ना एग्जिस्टेंस ऑफ existence of morphological barrier between pistil and stigma PIS sorry pistil and stamen pistil and stamen fine okay हो सकता है एंथर का पोजीशन और स्टिग्मा का पोजीशन अलग अलग हो है ना डिफरेंट पोजीशन ऑफ पोजीशंस ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा है ना ये भी एक स्ट्रैटेजी है सो हर्कोगेमिक कंडीशन कहाँ एग्जिस्ट करता है दिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे सो इट कैन बी सीन इन कैलोट्रोपिस बाल में लगाने वाला गजरा बनता है इसे ग्लोरियोसा है ना ग्लोरियोसा केलोट्रोपिस के केस में देखने को मिलता है नाउ द अनदर स्ट्रेटजी इज हेटरोस्टाइली HETEROSTYLY टर्म को तोड़ के पढ़े क्या होगा हेटरोस्टाइली मींस क्या हो गया हेटरोस्टाइली मींस हेटरो का मतलब क्या होगा और स्टाइली का मतलब क्या होगा स्टाइल स्टिग्मा स्टाइल पिस्टल कम ऑन टेल मी क्या होगा हेटरोस्टाइली अलग अलग पॉलन ट्यूब रहेगा हाँ हेटरोस्टाइली कहने का मतलब होगा स्टाइल का साइज छोटा बड़ा होना है ना ना इस तरीके से हेटरोस्टाइली का मतलब यही होगा वेरिएबल साइज ऑफ स्टाइल एंड फिलामेंट है ना वेरिएबल साइज ऑफ स्टाइल एंड फिलामेंट ऑफ एंथर जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ डायग्राम में हेट्रोस्टाइली में दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखेंगे H-E-T-R-O-S-T हाँ हेट्रोस्टाइल
सी द कंडीशन ऑफ हेटरोस्टाइल यहाँ पे देख ओ देख पा रहे हो। देखो जरा पहले वाले के केस में स्टिग्मा कितना ऊपर है और पोलन बेचारा कितना नीचे है, दूसरे के केस में देखें है ना, एंथर कितना ऊपर है और स्टिग्मा एकदम नीचे है ना। तो ये सब कुछ स्ट्रैटेजी है जिससे है ना क्रॉस पॉलिनेशन होने का चांसेस रहता है। सी इन दिस डायग्राम आल्सो कितना दिखाएं डायग्राम तुम लोग को, ये देखो कितना अच्छा डायग्राम है, देखें समझे। आई एम मूविंग फॉरवर्ड, एग्जाम्पल हो जाएगा लिली प्रिमरोज, लिली एंड प्रिमरोज कितना बड़ा लिखता हूँ यार मैं, गड़बड़ हो गया क्या करें। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी कहने का मतलब होता है ना, स्टिग्मा अलाउ ही नहीं करेगा पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करने के लिए है ना। वो देखिएगा स्टिग्मा हैज द टेंडेंसी टू एग्जामिन द बेस्ट क्वालिटी ऑफ पोलन ग्रेन है ना। तो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन होता है और उस इंटरैक्शन के दौरान स्टाइल अलाउ करता है पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन को, नहीं तो अलाउ नहीं होगा। हियर अ डायलॉग ओकर डी आई ए एल ओ जी यू ऑकर्स between pollen and the pistil, जिसको हम लोग pollen pistil interaction कहते हैं, pollen pistil interaction, it's like interview, INTERVIEW है ना। जैसे कहीं दूसरे देश में जाना है तो वीजा के लिए अप्लाई करना होता है तो इंटरव्यू होता है छोटा सा, उसी की तरह से है ना। ऑकर्स बिटवीन पोलन एंड पिस्टल एंड इफ द पिस्टल फाइंड्स द पोलन इज ऑफ बेस्ट क्वालिटी देन ओनली द पोलन ट्यूब formation initiates है ना, pollen tube का formation होगा और ये possible होता है because of the genetic makeup, gene is responsible for this, अपने अपने हाँ मतलब gene ही responsible है इसके पीछे for this purpose। फिनिश नाउ एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, आउटब्रीडिंग डिवाइस नाम सुने हो जी पहले कभी, आउटब्रीडिंग डिवाइस सुने हैं? नो सर। एक्चुअली इसको मैं दूसरे में शेयर करता हूँ, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं देखते हैं। लेट मी शेयर दिस फर्स्ट, देखेंगे कहां तक गया। आउटब्रीडिंग डिवाइस कहने का मतलब आर्टिफिशियली हम पोलिनेशन करते हैं
तो उसके दौरान क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, है ना, इन सभी को हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइस कहते हैं। जैसे कि हमारे पास सुपीरियर मेल है, सुपीरियर अलग अलग जगह, एक जापान में है और एक इंडिया में, है ना, तो क्रॉस पॉलिनेशन करना होगा हमें, तो क्या करेंगे, मेल गैमेट को लेकर आएंगे, पोलन ग्रेन को हम देश से लेकर आएंगे, जापान से लेकर आएंगे भारत में, है ना, और उस पोलन को हम लोग डस्ट करेंगे स्टिग्मा के ऊपर। तो स्टिग्मा थोड़े ना इंतजार करेगा जापान का पोलन ग्रेन को, वो तो अपना आपका पोलन ग्रेन से पोलिनेट हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, जब तक जापान से हम लोग पोलन ग्रेन नहीं मंगा लेते तब तक उस स्टिग्मा को किसी दूसरे पोलन ग्रेन से, हमने एंथर को चॉप आउट कर दिया है, काट के हटा दिया है, और फ्लावर को बैग कर दिया है, बंद कर दिया है, ताकि अनवांटेड पोलन ग्रेन इसको पोलिनेट ना करे। फाइन, और जैसे ही हमने जापान से या फिर कहीं और सोर्स से आईआरआई से पोलन ग्रेन मंगवा लिया, तो हम हटा देंगे, बैग को हटाएंगे, पोलिनेट करके फिर से रीबैग कर देते हैं। फाइन, इसमें देखेंगे जरा कहाँ तक गया है, find out decline तक गया है, इसके बाद मुझे फिर मेहनत करवा दिया। यहां से भेजना पड़ेगा, देखो जरा, हेलो, देख के बताएंगे जी, मैं अभी सेंड करता हूँ, अदरवाइज भूल जाऊंगा फिर मैं। यस सर, डाइक्लाइनी सर। रोटेशन कहाँ दिखता है, कीप शेयर स्मार्ट वीडियो सिंक्रोनाइज, रोटेट हो जाए, देखो रोटेट ही नहीं है। रोटेशन मैंने ऑन करा है ना, कभी कभी अपने आप एकदम रोटेट कर जाता है, कभी कभी रोटेट नहीं करता है ना, तो ऑटो रोटेट ना करके हम लोग को करना था कि जब हम रोटेट करना चाह रहे हैं तभी रोटेट हो। दूसरा चीज हो जाते
ओके फाइन. लेट मी टेक अनदर स्लाइड. 12, 2, 4 भी आउटब्रीडिंग डिवाइस. सो आउटब्रीडिंग डिवाइस वो डिवाइसेस होंगे जो हमें मदद करेंगे हाइब्रिड जनरेट करने के लिए, है ना. द टेक्निक इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ best hybrid variety है ना, उसको हम लोग outbreeding devices कहते हैं. the techniques to get early known as outbreeding डिवाइस, है ना. जैसे कि दिस इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना. बाइसेक्सुअल फ्लावर है, फाइन. एंड वी नो दैट हियर द पिस्टल इज सुपीरियर. पिस्टल इज सुपीरियर और हम जानते हैं कि ये एंथर इनफीरियर है, फाइन. और बगल में कोई दूसरा पौधा है उसमें वाइस वर्सा कंडीशन है, फाइन. इसका एंथर सुपीरियर है, फाइन. सुपीरियर एंथर है इसका, ओके. और इनफीरियर गैनोशियम है. सो हमें करना क्या है, हमें इस यहां से पोलन लेके इसके ऊपर डस्टिंग करनी है, है ना. तो नेचुरल कंडीशन में ये होगा नहीं, क्योंकि इसका पोलन ग्रेन भी तो सिंक्रोनाइज्ड है, ये आके पोलिनेट कर देगा नेचुरली ये. तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसको काट के हटा देंगे, फाइन. काट के हटाएंगे, क्या करते हैं, द प्लांट विथ सुपीरियर female part is bagged after the removal of anther, है ना. anther का removal को कहते हैं emasculation. removal of anther Removal of anther is called emasculation. समझे emasculation क्या है. emasculation is the artificial removal of anther. काट के हटा देते हैं, that is called emasculation. bagging का मतलब क्या हो जाएगा, covering the emasculated flower with bags so that unwanted pollen cannot pollinated, है ना. इसको हम लोग कहते हैं बैगिंग. वट इज रीबैगिंग देन. रीबैगिंग का मतलब होता है हमने बैग्ड किया हुआ फ्लावर को अनबैग्ड करेंगे, अपने डिजायर्ड पोलन को डस्ट करेंगे,
फिर से बैक कर देंगे ताकि कोई दूसरा पोलन आके उसको डिस्टर्ब ना करे. आफ्टर डस्टिंग ऑफ डिजायर्ड पोलन After dusting of desired pollen on the emasculated flower, again bag BA, again bagging is done, which is known as rebagging. फाइन फाइन फाइन, क्लियर है? आगे बढ़े, किसी को कुछ डाउट इसमें? ओके फाइन, चलिए अब आते हैं हम लोग. पॉलिनेशन तो देख लिया, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. नाउ हु विल ट्रांसफर दिस पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा? नाउ देयर इज नीड ऑफ, है ना, लोअर प्लांट्स के केस में तो पानी मीडियम की तरह एक्ट करता है गैमेट्स को मिलाने के लिए, लेकिन हायर प्लांट्स के केस में कुछ दूसरे ही प्रकार के एजेंट्स की आवश्यकता पड़ती है टू ट्रांसफर द मेल गैमेटोफाइट टू द फीमेल बॉडी. टू ट्रांसफर द पोलन टू स्टिग्मा देयर इज अ नीड ऑफ need of agent, pollinating agent. है ना, pollinating agent. So pollinating agent दो प्रकार के होते हैं. Pollinating agents are of two types. Broadly हमने दो भागों में बांट रखा है. Can you name? Abiotic pollinating agent, and biotic pollinating agent. Fine. सबसे पहले हम लोग देखते हैं एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट. है ना, एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट जो कि एबायोटिक मतलब लाइफ वाले नहीं होंगे. नॉन लिविंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर कॉल्ड एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स, द नॉन लिविंग. फाइन, तो ये दो प्रकार के होंगे. कौन से बता सकते हो? इट्स ऑफ टू टाइप्स, विंड एंड वाटर. अच्छा, बहुत सही बच्चे, वाटर एंड विंड, है ना. वाटर वाले एजेंट को हम लोग कहते हैं एनिमोफिली पॉलिनेशन. जन बाय वाटर इज कॉल्ड एनिमोफिली, ANEMOPHILY, एनिमोफिली कहेंगे, है ना. एनिमोफिलस प्लांट आर दोज प्लांट व्हिच आर पॉलिनेटेड बाय वाटर, है ना. एनिमोफिली इज the pollination of plant by water, wind,
विंड के लिए भी कुछ स्पेशल टर्म हमने बचा के रखा है, एनिमोफिलस। रुको थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव करते हैं। हाँ, इसको लेके आए यहाँ और इसको लेके गए यहाँ। मैं ये कर सकता हूँ, तुम लोग कर सकते हो क्या? ठीक है, विंड पॉलिनेटिंग को कहते हैं। अच्छा, इधर भी कुछ लिखा हुआ है ना, चलो इसको काट के यहाँ लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग विंड बाय विंड, हवा से, है ना, हवा से यदि पॉलिनेशन हो रहा है तो कहेंगे कि ये विंड पॉलिनेटिंग पौधा है। फाइन। हाँ, यहाँ पे क्या लिखते हैं, POLLI पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड समझे कि नहीं समझे? Come on, tell me. समझे? या फिर मैं और बताऊं? Okay, चलिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग विंड पॉलिनेशन एंड देन विल सी वाटर पॉलिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है हमें। यहीं से क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। अच्छा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोलन ग्रेन वेयर द एनिमोफिलस इज फॉलोड वेयर द हाइड्रोफिल इज परफॉर्म्ड, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर डिस्कस कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विंड, सॉरी, विंड पॉलिनेशन। है ना, तो विंड पॉलिनेशन ज्यादातर कॉमन होता है ये वैसे फ्लावर में जिसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं रहता है, कलर नहीं रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स characteristics of wind pollinated flowers, flowers का देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग, हाँ चलो flowers ही देखते हैं, ज्यादा critical नहीं करते। तो पहला कैरेक्टर देखते हैं, से वो उड़ सके, है ना, एंड इट शुड नॉट बी स्टिकी। ओके, द पोलन ग्रेन शुड बी लाइट, रोशनी वाला लाइट नहीं, हल्का वाला लाइट, एंड नॉन स्टिकी, चिपचिपासा नहीं होना चाहिए, नॉन स्टिकी, है ना, जस्टिफाई नहीं करोगे हटाएंगे, है ना। फ्लावर के स्टेमेन एक्सपोज होने चाहिए अच्छे तरीके से, है ना, ताकि आसानी से वो हवा में उड़ सके। ऐसा नहीं कि फ्लावर के अंदर बंद पड़ा हो, बंद पड़ा हो हवा आएगी तो फिर झर जाएगा फ्लावर के अंदर ही ना। The flowers have well exposed stamen so that pollen can easily leave the anther. तीसरा स्ट्रैटेजी देखते हैं, तीसरा कैरेक्टर देखते हैं,
है ना. सो स्टिग्मा के पास भी कैचिंग कैपेसिटी होना चाहिए, ऐसा कैरेक्टर हो कि वो पोलन ग्रेन्स को ट्रैप कर ले. फ्लावर्स हैव लार्ज बड़ा फीदरी स्टिग्मा, फीदरी FEDERISTIGMA है ना, फीदरी स्टिग्मा होना चाहिए ताकि इजिली पोलन ग्रेन उसमें ट्रैप हो जाए, फंस जाए, है ना. सो दैट टू इजी किसके लिए चाहिए, टू इजी ट्रैप द हेयर बॉर्न पोलन ग्रेन्स. फाइन, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्टरस एब्सेंट रहते हैं इसमें, कोई नेक्टर ग्लैंड नहीं है. नेक्टर ग्लैंड एब्सेंट होते हैं, कोई नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, है ना. कलरलेस फ्लावर होते हैं, कलरलेस फ्लावर है ना, अट्रैक्टिव कलर नहीं होंगे कहने का मतलब है. ठीक है, सिंगल ओव्यूल ही प्रेजेंट रहेगा, बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट नहीं रहेंगे, सिंगल ओव्यूल. सातवां नंबर, फ्लावर्स ज्यादातर इनफ्लोरेसेंस के फॉर्म में रहेंगे. इनफ्लोरेसेंस कहने का मतलब एक ब्रांच होगा. सिंगल ओव्यूल क्यों रहेगा? हाँ, सिंगल ओव्यूल होने से क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये देखो, फॉर एग्जांपल ये देखो, इसमें इतने सारे स्टिग्मा प्रेजेंट है, इतने सारे स्टिग्मा प्रेजेंट है ना, और इसके अंदर ओव्यूल एक ही है, तो इसको ओनली वन पोलन इज इनफ ना टू फर्टिलाइज, है ना. तो एक ही पोलन यहीं पे गिर जाएगा तो काफी है इसकी फर्टिलाइजेशन के लिए. अब मान के चलो इसमें बहुत सारे ओव्यूल होते तो बहुत सारे पोलन चाहिए थे ना इसको पोलिनेशन के लिए, तो बहुत सारे पोलन तो आ नहीं रहे भैया, वो तो चांस से है आ गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही रह जाएंगे ना, तो इसीलिए सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट रहते हैं, ताकि कम से कम एक तो ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन हो सके, है ना. Since the chance of pollination is very less, ना इसीलिए एक ही ओव्यूल का निर्माण करके रखते हैं ताकि कम से कम एक तो फर्टिलाइज हो जाए, समझे. लास्ट पॉइंट है ना, फ्लावर्स ज्यादातर इनफ्लोरेसेंस के फॉर्म में रहते हैं. फॉर एग्जांपल ये इनफ्लोरेसेंस हो गया, है ना, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स है, ओके, गुच्छा में रहेंगे, कम से कम कोई तो पोलन को पकड़ ले, इसीलिए फ्लावर्स पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस. फ्लावर्स पैक into inflorescence. Example, common in grasses, घासों में, है ना, maize में, wheat, sugar cane, bamboo, etc. यहीं तक मैं छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाइड्रोफिली. फाइन, वाटर पॉलिनेशन. फाइन, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अदरवाइज वन कैन साइन अप. हाँ, आज के लेक्चर से मैं अगले दिन पूछूंगा, अगले दिन बहुत दिन का छुट्टी हो रहा है इसीलिए आने के साथ साथ पूछताछ होगा, और जवाब नहीं देगा तो मारपीट होगा.
हम जब आएंगे तब हम नाम लिख के रखेंगे, और जो कोई भी भागा तो बाय डिफॉल्ट पिटेगा। किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है जी। कब आ रहे हैं? क्या हम कब आ रहे हैं? यस सर, आएंगे अप्रैल में। ओके ओके, है ना, टेस्ट होना है, अगले टेस्ट होना है, ओरल टेस्ट होगा, ठीक ना, ओरल टेस्ट होगा अगले क्लास में, बता दे रहा हूँ। ओके ओके ओके, थैंक यू।